आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होगा। आज पठानकोट के मलिकपुर नज़दीक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गाय बुरी तरह से जख्मी हो गई, लेकिन इसके इलाज के लिए कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने कहा कि उनकी ओर से पहले हाईवे वालों को फ़ोन किया गया था, पर उन्होंने यह कहकर पाला झाड़ लिया कि यह उनका एरिया नहीं है। और इसके बाद जब उन्होंने इसकी सूचना गौशाला वालों को दी तो वे भी आनाकानी करते रहे। लोगों ने कहा कि सरकार आजकल हर एक चीज़ पर काउ टैक्स ले रही है, फिर ऐसे में पशुधन की रक्षा के लिए कोई सार्थक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। संदीप शर्मा, MC संदीप शर्मा जी। अज दोपहर कोई सानू 3:30 बजे पता लगा जी कि अपने गोल चौंक जो सा मलिकपुर चौंक है बाईपास उ ना कि गाय न कोई ट्रक वाला टक्कर मार गया, जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत सी, 3 लत्तां टुट गई। फिर असी मुंडे सारे कट्ठे हुए, उन्होंने सानू उन्होंने हैल्प की थोड़ी जी, तो उन्होंने चक के आप रोड तो पहला साइड से किया। तो उसके बाद जी सानू बहुत परेशानी आई जी उन्हू गौशाला च पहचान च, जो आप मतलब कि बहुत ज़्यादा कोशिश जद्दोजहद की, मतलब बहुत जाने बंद फोन किया, सड़क वाले फोन किया, नैशनल हाईवे वालों, इन्होंने भी सानू कोई रिस्पोंस नहीं दिता। आप इन्हों भी गौशाला वाले भी दिता, फिर उन्होंने भी कोई वधिया रिस्पोंस नहीं दिता सानू। पर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करन तो बाद फिर आप पठानकोट गौशाला जाके उत्थों आप उन्हों की गड्डी लिया, जिद ना आपू गऊ में चुक के गौशाला च इलाज लिए भेजा जी। तो सानू बहुत ज़्यादा परेशानी आई जी। बाकी आप प्रशासन तो यह मांग करते हैं कि जो साढ़े को हर चीज़ के उत्ते गौ सेल्स टैक्स कट्टिया जाता है, आप गांधा लसेंस बना जाने, साढ़े को 2100-2100 की पर्ची कट्टी जाती है, आप गाई कोई इतने आवारा छड़न जाने गौशाला तो साढ़े को 2100 की पर्ची कट्टी जाती है। जो कोई भी आप प्रोडक्ट लैने बाजार चो, शराब होगी, हर चीज़ के उत्ते साढ़े को काउ टैक्स कट्टिया जाता है, तो फिर सानू इन्नी दिक्कत क्यों आती है? इहदा जवाब प्रशासन नूं देना चाहिए है। दूसरी गल, आप एक प्रशासन के अगे मंग करते हैं कि एक हैल्पलाइन नंबर गौ वास्ते गाइयां वास्ते होना चाहिए कि आए दिन जिहड़ियां एक्सीडेंट हुंदा है तो इन्हां दा बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुंदा है, उहदे लिए आप चाहते हैं कि हैल्पलाइन नंबर हो जिते आप उस वेले फोन करिए तो 10-15 मिनट तुरंत कार्रवाई होए जिहदे नाल कि ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਲਕਪੁਰ ਚੌਂਕ SKR ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਸਟ ਏਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਕੌ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ 108 ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।